हेलो दोस्तों, माई सेल्फ गोपी कृष्ण अबरोल एंड आई बिलोंग टू जलंधर पंजाब एंड आई एम 16 ईयर्स ओल्ड और मैंने AK इन्फो इंस्टीट्यूट से MSAP और आईफोन की रिपेयरिंग का कोर्स किया है, उसमें डिप्लोमा किया है। मुझे यहाँ पे 3 महीने लगभग हो चुके हैं, 1 से 1.5 महीने मैंने MSAP का कोर्स किया है एंड्रॉयड में और लगभग 1 महीने के लिए मैंने आईफोन का कोर्स किया, लेकिन मुझे फिर भी आईफोन में कहीं डबल डेकर या बायोनिक CPU में कोई दिक्कत आ रहा था। तो मैंने सर से, सैफी सर से एक बार बात किया तो उन्होंने मुझे बोला कि जब तक आपको ये क्लियर ना हो तो आप एक्स्ट्रा रुक सकते हैं। तो आज से लगभग 15 से 16 दिन पहले ही मेरा कोर्स ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी सर ने मुझे बैठने के लिए मतलब इजाज़त दिया है और मैंने जो मुझे दिक्कत आ रहा था वो मैंने दिक्कत इन्हीं कुछ 15-16 दिन में फिर से कवर कर लिया है। तो ये मेरा आईफोन 11 है, इसके अंदर स्टोरेज थी 64 GB की, लेकिन ये 64 बहुत जल्दी फुल हो जाता था, 60-62 GB हमेशा इसमें फुल रहता था, तो मुझे बहुत दिक्कत आता था इसमें। लेकिन सैफी सर ने जैसे हमें स्टोरेज अपग्रेड करना सिखाया, NAND प्रोग्राम करना सिखाया, उसके बिना पर मैंने इसकी 64 GB की स्टोरेज को अपग्रेड करके 256 GB किया है, अभी कल ही किया है इसको। तो उसके लिए पहले हमने पुरानी NAND को इसमें से निकाला सैंडविच अलग करके, तो ये मेरे पहली फर्स्ट टाइम था मेरे ज़िंदगी में, तो मुझे तो फ़ोन खोलना भी नहीं आता था, लेकिन सर ने वो भी सिखाया कैसे इसको असेंबल डिसेंबल करना है। उसके बाद हमने सैंडविच बोर्ड अलग करके इसकी NAND IC निकाली, उसकी प्रोग्रामिंग हमने 256 GB NAND एक बाहर से खरीदी, उसमें इसकी प्रोग्रामिंग को हमने रिस्टोर किया, फिर वाईफाई को भी अनलॉक करके इसी में 256 GB की NAND IC इसमें दोबारा से लगाई और अब ये फ़ोन 256 GB हो चुका है 64 GB से और विदाउट एनी डाटा लॉस, क्योंकि सर ने पहले बैकअप भी लिया था, उसको रिस्टोर भी किया था। सर ने ये बात भी बताई थी कि आईफोन 11 बहुत जल्दी इस काम में डेड होने का रिस्क बहुत रहता है, लेकिन फिर भी सर ने ऐसा टेक्निक बताया कि ये डेड ना हो। सर ने ये भी बोला था डेड होने का रिस्क है तो मैं NAND निकाल देता हूँ, तुम प्रोग्राम कर लेना, लेकिन ऐसा नहीं, मैंने खुद ही इसका NAND निकाला है, खुद ही प्रोग्राम किया है, खुद ही लगाया है। हालाँकि मैंने अपने फादर से भी पूछा कि इसको डेड होने का रिस्क रहेगा, क्योंकि अच्छा खासा चलता फ़ोन है, 1-1.5 साल से ऊपर का फ़ोन अच्छे से चल रहा है, लेकिन फिर भी उस पर रिस्क लेना ये बहुत बड़ा मतलब, लेकिन फिर भी मेरे फादर ने बोला कि बिंदास होके काम करो, इस पर सीखना है, तो मैंने इस पर काम किया और आज ये फुल ऑन चल रहा है। इसमें जब NAND हमने लगाई तो ये DFU में आके रुक गया, हमने फ्लैश किया, फ़ोन तो ऑन हो गया लेकिन Face ID चलना बंद हो गया और मैं तब घबरा गया कि इसका Face ID क्यों बंद हो गया, लेकिन फिर सर ने समझाया कि Face ID डिस्प्ले के बिना अगर आप फ्लैश करोगे तो Face ID कभी कभी नहीं भी चलती। तो हमने फिर से इसको फ्लैश किया, इसका Face ID भी चल रहा है, सब कुछ एकदम नॉर्मल है, नेटवर्क वगैरह सब आ रहा है, लेयर भी सही से बना के रिवॉल्व करके लगाया था, अब ये फ़ोन बिल्कुल सही तरह से चल रहा है और 256 GB इसका स्टोरेज हो चुका है। और इसके लिए मैं AK इन्फो इंस्टीट्यूट को, सैफी सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा और सैफी सर की तारीफ में ये बोलूँगा कि वो टीचर तो बढ़िया है ये, लेकिन एक टीचर से ऊपर उठ के वो एक बढ़िया गार्डियन भी है। वो चलो आईफोन रिपेयरिंग तो ठीक है, उससे ऊपर उठ के हमें बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला, कस्टमर से डीलिंग कैसे करना होता है, कस्टमर से बात करने का जो हमारा तरीका रहेगा, उसको कैसे हम बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे डायग्नोस करना है, वो सब सैफी सर ने हमें सिखाया और इतना अच्छे से सिखाया कि मैंने अपने खुद के फ़ोन को स्टोरेज अपग्रेड किया है। और क्या है कि पहले हम भी देखते थे कि लोग ऐसा करते हैं तो हमें भी होता था कि वाह उसने ऐसा किया, लेकिन आज जब खुद किया तो इतना कॉन्फिडेंस है कि हम उन लोगों को भी टक्कर दे सकते हैं जो पुराने समय से काम करते आ रहे हैं। तो इसके लिए सैफी सर को, AK इन्फो इंस्टीट्यूट को एक बार फिर से थैंक यू।